पेलिमोन जिसको हम आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर कहते हैं ना बच्चों, पेलिमोन में खास बात क्या है कि इसकी जो आई होती है ना, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र बोलते हैं। कंपाउंड आई को संयुक्त नेत्र बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर ना 19 पेयर जो है इसके लेग प्रेजेंट होते हैं, 19 पेयर इसके लेग प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट वाला पोर्शन देखो, पूंछ जैसा है ना, ये बिल्कुल पैडल के जैसे काम करता है। जब ये तैरती है ना, तो देखे ये कैसे काम करता है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे ना तो सारे स्विमरेट्स हैं, तैरने में हेल्प करेंगे। जैसे कोई नाव जब चलती है तो कैसे उसके लिए एक रहता है ना पतवार जैसा, कुछ इस तरह से ये काम करेंगे। और जो इसके लेग्स है ना, सारे जॉइंटेड रहते हैं, है ना, एंटीना एंटीनी सारे स्ट्रक्चर देखो। और माउथ के पास का ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसमें ऐसा धारी रूमर है, सीरेट है, कटा कटा आपको दिख रहा है बिल्कुल, ये क्या है, इसका ना रोस्ट्रम है। माउथ का आगे बढ़ा हुआ भाग को रोस्ट्रम बोलते हैं बच्चों, हाँ। और ये स्ट्रक्चर आप देख लो, ठीक है। और ये कैसा है, आर्थ्रोपोडा है। और इसके ऊपर का जो कवच है ना, उसको कैरापेस बोलते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। और इसको आप लोगों के मेजर डिसेक्शन में भी है और माइनर डिसेक्शन में भी है। मेजर डिसेक्शन में इसका नर्वस सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है, और माइनर डिसेक्शन में आपको इसका क्या बनाना है बच्चों, माइनर डिसेक्शन में आप इसके अपेंडिजेस बनाओगे। अपेंडिजेस ऑफ प्रॉन जो मैंने बताया है, याद करिए, वो है अपने सिलेबस में, ठीक है। तो ये दोनों मेजर और माइनर में भी आता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। चलिए, और ये है सीपिया, लोलीगो और सीपिया, है ना। दे आर मोलास्का, मोलास्का एनिमल मतलब कैसे एनिमल बच्चों, सॉफ्ट बॉडी एनिमल, है ना। देखो, और हर मोलास्का एनिमल में ना सकर पाया जाता है, ये आपको बिल्कुल ऐसा बाहर निकला हुआ दिख रहा है भाग, ये क्या है, सकर्स है ना, ठीक है बच्चों। तो